कंपनी गलवाली पर कर लो अपन कंपनी पर कर रहा है गलवाली पुरानी वाली कैसे बंद करेंगे एपन प्रेस करेंगे लिस्ट आ जाएगी अब यहां टाइप करें कंपनी का नाम तो अपनी कंपनी यहां से सर्च हो जाएगी अपन अपनी पुरानी कंपनी में आज यूजर नाम समझे अपन ने यूजर नेम दिया था अजय पासवर्ड दिया था बंडल तो अपन को टाइप कर रहे हैं पासवर्ड अब आप देख रहे हैं नेम कंपनी के नीचे कंपनी का नाम सो रहा है मतलब आज कंपनी ओपन हो चुकी है अब लेजर बनाना है तो लेजर की टीम क्या करेगी सबसे पहले जाएंगे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन इसका शॉर्टकट है ए यहां पर ई प्रेस करेंगे या फिर अकाउंट्स इन्फो पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे फिर लेजर पर जाना है तो लेजर्स के लिए एल प्रेस करेंगे या फिर लेजर पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे ताकि हमें सभी का हिसाब एक स्थान मिल जाए हमें अलग जगह पर देखना ना पड़े तो अपन यहाँ पर पहले बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट कैपिटल क्या होता है व्यापारी अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए अपने घर से जो रुपए माल या संपत्ति लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल कहाँ से लगाता है अपने घर से लगाता है यदि कर्ज लेकर लगाएगा तो फिर वो लोन कहलाएगा फिर वो कैपिटल नहीं कहलाएगा उसने बैंक से कर्ज ले लिया अपने फ्रेंड से कर्ज ले लिया और फिर व्यापार स्टार्ट कर दिया तो वो लोन कहलाता है वो कैपिटल नहीं कहलाता कैपिटल कब कहलाएगा अपने घर से लगाया फर्नीचर माल या रुपए जो भी अपने घर से लगाएगा बस वो होता है कैपिटल तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट सबसे पहले एंटर प्रेस करेंगे एल आई में कोई उपनाम इसका लिख सकते हैं और नहीं लिखना तो एंटर प्रेस करेंगे अंडर में कैपिटल कैपिटल अकाउंट नहीं आता है एंटर प्रेस करेंगे अपन और इंटरप्रेस करेंगे ये लिखा है इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड मतलब कैपिटल लगाने से माल की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता तो ये हमेशा यहाँ पर नो रहेगा यस अपन ये अपने आप यस हो जाएगा अब यस कब होगा जब अपने माल की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा कम ज्यादा होगा ये कब होता है जब परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे इस तरह से बाकी कैपिटल लगाने से अपना माल नहीं बढ़ता माल क्या पड़ेगा अपन जब परचेस करते हैं तब बढ़ता है और सेल्स करेंगे तो घट जाएगा माल चोरी चला जाएगा तब घटेगा आग लग जाएगी सैंपल में माल बांट देंगे तब अपने आप यहाँ पर यस हो जाएगा हमें यहाँ पर नहीं करना अब एंटर प्रेस करेंगे नेम तो कैपिटल लिखा हुआ एंटर अगर एक से ज्यादा पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस दो तीन लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबका एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे अलग करके एक का विदिशा एक को विदिशा उसका नाम लिख देना मेरी साहब कौन एंटर अब अगले का एड्रेस भोपाल है भोपाल वाले का नाम क्या है वो लिख दें फिर इंदौर है ऐसे करके तो आप लिख सकते हैं अगर दो तीन पार्टनर है तब लेकिन अगर एक अकेले ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो फिर यहाँ पर एड्रेस एक का लिख देंगे बस जिसने स्टार्ट किया है फिर ये इतना तीन चार नहीं लिखना पड़ेगा एंटर स्टेट कहाँ पर है मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश अपन लिख रहा है पिन कोड क्या है 4 6 0 3 1 कैपिटल विदिशा में अपन लगाई विदिशा के रहने वाले पैन नंबर आप डाल देंगे अपने पैन कार्ड में स्टिकर सेलर नंबर आपको जब भी आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर आप लेना पड़ेगा सेलर नंबर ये आप यहां पर डाल देंगे ठीक है एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है प्रारंभिक शेष हर एक खाते का बस के सॉरी महीने के अंत में क्लोजिंग बैलेंस होता है अगले महीने वही स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है तो वो यहाँ पर हमें और आप अपन जो यहाँ वर्ष का हिसाब बना रहे हैं अपन हमेशा वर्ष के अंत में देख लिया करेंगे मतलब 31 मार्च को जो कैपिटल हमारा बचेगा इस अकाउंट में अगले वर्ष 1 अप्रैल के बाद से ओपनिंग बैलेंस डाल दिया करेंगे जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है जैसे अपन ने 100 कंप्यूटर खरीदे ये सोचकर अपन 1 वर्ष में बेच देंगे लेकिन वर्ष एंड होते होते 90 बिक पाए 10 बच गए और वर्ष एंड हो गया
अब जो 10 बचे हैं, ये 10 कंप्यूटर अपन अगले वर्ष में ओपनिंग बैलेंस मान रहे हैं एंट्री कर लेंगे। अब अगले वर्ष क्या करेंगे अपन, 10 तो पुराने बच गए, 90 और ले लें, होगा 100, फिर बैलेंस लेंगे साथ में। फिर माना फिर 95, 95, फिर 5 ले गए, ये 5 अगले वर्ष के स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस के लिए, ये होगा ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, पिछले वर्ष बचा था वो नेक्स्ट वर्ष के स्टार्टिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। अब इंटरप्रेट करेंगे अपन, फिर इंटरप्रेट करेंगे ये अपना कैपिटल अकाउंट का लेजर बन चुका है। अब अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट, अगला लेजर बना रहे हैं परचेज, हमें इसके बाद परचेज करना पड़ता है। इंटरप्रेट करेंगे और परचेज अकाउंट वेंडर में परचेज में जाता है। अपन इंटरप्रेट करके यहां तक आएंगे और यहां पर देखेंगे पी लिखने के बाद परचेज अकाउंट यहां सेलेक्ट कर ले, वहां पर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इन्वेंटरी वैल्यू का रिफ्लेक्ट अपने आप यहां पर यस हो गया, पहले नो था, यस क्यों हुआ, क्योंकि हम परचेस करेंगे तो इन्वेंटरी अर्थात माल की मात्रा प्रभाव पड़ेगा, माल बढ़ जाएगा, इसलिए यस हो गया। एंटरप्राइज करेंगे अपन और ओपनिंग बैलेंस अपन अभी खाली छोड़ेंगे क्योंकि अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगले वर्ष अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, मतलब आने वाले समय में जो सवाल करें अगर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपन इसमें ओपनिंग बैलेंस डालना सीख लेंगे। अभी अपन खाली छोड़ रहे हैं, सेल्स अकाउंट बनाएंगे अपन अगला, अंडर में सेल्स में आता है, यहां से अपन सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, इंटरप्रेस कर देंगे और यहां भी देखो यस हो रहा है क्योंकि माल बेचेंगे तो माल की मात्रा प्रभाव पड़ेगा, माल कम हो जाएगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस अपन खाली छोड़ेंगे। इस तरह से लेजर बनाते हैं। अब ये लेजर अपन ने क्यों बनाया है इसका पता आपको लगेगा आने वाले 2-3 दिन बाद, जब अपन कोई वाउचर एंट्री कर लेंगे और एंट्री करने के बाद जब हम आपको चेक कराएंगे कि इन लेजर में अपने आप टैली सॉफ्टवेयर ने किस तरह से अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है, किस तरह लर्सन ट्रांसफर कर दिया है, किस तरह इन सभी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस अपन देख पा रहे हैं, ये अपन आज सीखेंगे। तो अभी अपन ने सिर्फ लेजर के नाम लिखना सीख लिया है और अच्छी बात यह है टैली सॉफ्टवेयर में कि आपने सिर्फ लेजर के नाम लिख दिए, अब इसके बाद आपको लेजर के ना तो प्रारूप बनाना है ना ही लेजर में अमाउंट और लर्सन ट्रांसफर करना, ये सब काम टैली सॉफ्टवेयर खुद करेगा, आपको सिर्फ वाउचर एंट्री करना पड़ेगा। आप जैसे ही वाउचर एंट्री करेंगे, एक एंट्री कर देंगे आप, एक एंट्री करते ही वो आपके सभी लेजर में अमाउंट भेज देगा। जैसे आपने एक बना दिया एंट्री करती परचेज अकाउंट, तो परचेज करते क्या होगा, अपने आप परचेज अकाउंट के लेजर में अमाउंट भेज देगा, कैश जा रहा है तो कैश में भी अमाउंट भेज देगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वहां ही भेज देगा, ये सारे काम खुद करेगा, बैलेंस शीट में भेज देगा, सब में भेज देगा। तो आप एक एंट्री करेंगे और यहाँ पर एक एंट्री के साथ टेलीसॉफ्टर सारे लेजर में और सभी खातों में अमाउंट को ट्रांसफर अपने आप करेगा। अब ये कैसे होगा, ये अपन जब एंट्री करेंगे नेक्स्ट डे तो अपन इसको समझ लेंगे। तो कल अपन सीखेंगे ये जो लेजर अपन ने बनाए हैं इनमें वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, ये अपन कल समझेंगे। अभी आप सिर्फ नीचे लेवल में जाएंगे तो कंपनी बनाने के बाद लेजर बनाना सीखना, कुछ लेजर बनाना जैसे कैपिटल बना लेना, अंडर में आया कैपिटल में परचेज बनाना, परचेज में जाएगा सेल्स बनाना, सेल्स में जाएगा। इसके अलावा बना लेना जैसे अजय विजय बनाएंगे आप, अजय से माल खरीद आया उधार तो वो जाएगा सैलरी क्रिएटर, ये अपन कल समझेंगे लेकिन अभी ऑप्शन नहीं आएगा। अभी तीन चीज है बस, क्या बना गया परचेज सेल्स और कैपिटल, तीन बनाना, बाकी अगले हम आप कल समझेंगे ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, अभी आप कंपनी बनाना सीखना और कुछ नहीं आता नीचे पूछ लेना और ये समझ लें, और बाकी कल मैडम फिर से आप कंपनी रिवाइज कराएंगे स्टार्टिंग वहां से।